ओल्ड एज होम में बुजुर्गों के लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, कोरोना को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जा रही है, ये देखने के लिए ईटीवी भारत की टीम अंबिकापुर शहर की सीमा पर ग्राम अजीरमा के पास बने शासकीय ओल्ड एज होम पहुंची, जहां देखने के बाद ऐसा लगा जैसे इस वृद्धाश्रम में निराश्रित बुजुर्ग अपना जीवन आराम से गुजार रहे हैं। जिले में 3 ऐसी संस्थाएं हैं जो निराश्रित बुजुर्गों के लिए बनाई गई है। खास बात यह है कि तीनों ही केंद्र अब तक कोरोना संक्रमण से सुरक्षित है। यहां किसी भी आश्रित या स्टाफ को अब तक कोरोना नहीं हुआ है। 7 लोग हैं और अभी तो व्यवस्था 25 लोग का है। 25 लोग, हाँ, तो अभी 17 लोग हैं तो पूरा अभी घर गए हैं तो आ नहीं पा रहे हैं कोरोना संक्रमण से। मानसिक दिव्यांगों की संस्था घरौंदा में मानसिक दिव्यांगों की देखरेख का जिम्मा एक निजी संस्था को दिया गया है, जहां शासन से अनुदान प्राप्त होता है। वही कलावती पुनर्वास केंद्र बजट के अभाव में बदहाली की मार झेल रहा है। वर्तमान समय में इसके संचालन में थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यह संस्था निरंतर जन सहयोग से ही संचालित की जाती है। वर्तमान समय में यहाँ पर 5 लोग रहते हैं, जिसमें कर्मचारी और बच्चे भी शामिल हैं। दूसरी संस्था मानसिक दिव्यांगों के लिए आश्रय गृह है, जहाँ मानसिक लोग 30 की संख्या में रहते हैं। शासकीय वृद्धाश्रम में 25 बेड की व्यवस्था है, जिसमें 15 बुजुर्ग ही निवास करते हैं, बाकी 8 बेड अब भी खाली है। लेकिन कोरोना काल में आश्रम में सिर्फ 7 लोग ही रह रहे हैं, बाकी के कई बुजुर्ग इस समय अपने अपने घर चले गए हैं। मनोरंजन के लिए टीवी है, खाने पीने सब चीज मिल रहा है, और जो भी मिल रहे हैं चाय नाश्ता सब चीज मिल रहा है। इनके बीमार बुजुर्ग हैं, बीमार भी होते हैं, इनके इलाज के लिए कैसे व्यवस्था करते हैं? जो 108 बुला के जिला हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जो भी अगर थोड़ा ज्यादा हो जाता है जिला हॉस्पिटल ले जाते हैं, यहीं पर हो जाते हैं, इतने गोली वोली से हो जाते हैं। 1995 में बने इस आश्रम का स्वरूप बेहद खास है। इसे शहर की चकाचौंध से दूर बनाया गया है। काफी बड़े क्षेत्र में फैले होने के कारण कैंपस के अंदर गार्डन है, वॉक करने के लिए पर्याप्त खाली भूखंड है, जो किसी भी बुजुर्ग की सेहत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। किचन में खाना पकाने, साफ सफाई, देखरेख व तमाम जिम्मेदारियों के लिए अलग अलग स्टाफ है। संक्रमण के दौर में ज्यादातर अपने घर चले गए हैं और तब से यहाँ वापस नहीं आ पाए हैं, और इसके साथ ही अभी वर्तमान में इस वृद्धाश्रम में 7 लोग ही रह रहे हैं, जिनकी देखभाल जो प्रबंधन है वो कर रहा है। ये केयरटेकर हैं जो इनकी देखभाल करते हैं, उनके खाने पीने सोने से लेकर के मनोरंजन की भी व्यवस्था यहाँ पर की गई है।